वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अज आप करते हैं लिप्स का डे नंबर टू, यानी कि सेकंड पार्ट। अपना डे नंबर वन हो चुका है लिप्स का जी। ठीक है, सब जाने क्लास लगाई होनी है। जिन्होंने क्लास नहीं लगाई तो वो डे नंबर वन की क्लास जरूर लगा लें। तो चलो आप शुरू करते हैं अज का डे। सारा काम अपना डे वन के हो चुका है। इतों तक अपना काम हो चुका सी, अज आप नवा काम अपना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ दस दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, वॉइस सब कुछ ऑलरेडी। ठीक है जी, गुड इवनिंग। तो प्लीज़ क्लास के लेट ना आया करो, टाइम ना ही आया करो क्लास के, क्योंकि एक अद्धा कंसैप्ट भी अगर मिस हो जाए तो फिर मिस हो ही जाता है। क्लियर? अच्छा बढ़िया, शुरू करते हैं। सब तो पहला अपने को आएगा हाउ टू चेक कॉनिक एलिप्स। ये अपन की करना पैना है, सब तो पहले अपन कॉनिक की क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि होंगी है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आ कॉनिक की इक्वेशन है जी। ए अपने को आएगा एच स्केयर माइनस ए बी लैस दैन जीरो। जिमें असेंटरसिटी लैस दैन जी वन होंगी है उमें जिमें एच स्केयर माइनस ए बी लैस दैन जीरो आएगा। पैराबोला के अपने को पैराबोला के पैराबोला के अपने को होंगे एच स्केयर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो और असेंटरसिटी इक्वल टू वन होंगी। ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगे ये लैस दैन जीरो आएगा तो एलिप्स बनेगा सेंटरसिटी भी अपने को लैस दैन वन होंगी। ये नहीं है फाइंड करनी पे, वैसे आप गल करते हैं जस्ट कि सेंटरसिटी भी लैस दैन वन होंगी है तो इस करके ही इक्वेशन एच स्केयर माइनस ए बी लैस दैन जीरो। ये इदा याद रख सकते हो कि सेंटरसिटी भी लैस होंगी है तो एच स्केयर माइनस ए बी भी लैस होएगा जीरो। ठीक है जी, अगर अपने को कंडीशन हो जाती है तो वो अपने को जी बन जाएगा एलिप्स बन जाएगा, जो कोने को होगा वो एलिप्स बन जाएगा। नेक्स्ट गल आप करते हैं इफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम इज इक्वल टू टच जीरो, टच द एलिप्स। ठीक है जी, अगर अपने को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम इज इक्वल टू ए एलिप्स में टच कर रही है किड़े एलिप्स में, एस एलिप्स में एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन, तो यदि अपने को इक्वेशन की हो जाएगी फिर ए स्केयर एक्स नाल एक्स वाला एल स्केयर प्लस वाई नाल की है एम, इधर वाई के नीचे की है बी, बी स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर, ए स्केयर एल स्केयर प्लस बी स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर। क्लियर? ये अपने को कंडीशन है अगर लाइन टच करेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम इज इक्वल टू जीरो टच करेगी एलिप्स नो तो अपने को आ वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ए स्केयर एल स्केयर प्लस बी स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल सिंपल है जी, जिमें आप पैराबोला च फाइंड किया ये फाइंड करा किमें रिप्लेस करना होंगे एक्स स्केयर रिप्लेस करना होंगे एक्स एक्स वन नाल, वाई स्केयर रिप्लेस करना होंगे वाई वाई वन नाल, अकेले एक्स में रिप्लेस करना होंगे एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू नाल, वाई में रिप्लेस करना होंगे वाई 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 प्लस वाई वन अपॉन टू वन। तो ये एक्स से वाई तो होंगे नहीं, शिफ्टर च होंगे वैसे तो नहीं होंगे, तो की इक्वेशन होंगी अपने को एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू वन। तो एक्स न एक्स एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो यह अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोई भी एक्स वन से वाई वन पॉइंट देते हो जो आप याद ही रखनी पैनी जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये अपने को एक्स स्केयर सॉरी एक्स स्केयर नहीं ए स्केयर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस
माइनस बी स्क्वेयर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये होएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बहुत घट यूज होती है, मोस्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज होती है। ठीक है जी, आप दूसरा फार्मूला भी डाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप फाइंड की थी, इतों आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप फाइंड करके वाई माइनस वाई वन स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, इदा भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर सकते हैं। स्लोप जाने की उल्टी कर देंगे ना, स्लोप नु उल्टा करके तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इतों आप स्लोप फाइंड कर लेंगे। इस तो नेगेटिव कोफिशियंट ऑफ एक्स, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स की है एक्स वन अपॉन ए, ठीक है जी, अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई वो की है वाई वन अपॉन बी, ठीक है यही आएगा। तो अपने को ऑल ओवर की आ जाएगा बी वाई बी एक्स वन अपॉन ए वाई वन, नेगेटिव का ये आ गया। बट अपने को नॉर्मल दी स्लोप की हो जाएगी ए वाई वन ऊपर नीचे बी एक्स वन, और माइनस का सीधा प्लस का, ये स्लोप आप जो इतने पुट कर देंगे तो अपने को आही इक्वेशन बनेगी, यही बने तो आप इदा फाइंड कर सकते। क्लियर, स्लोप फॉर्म टेंजेंट, स्लोप फॉर्म की होगी टेंजेंट दी, स्लोप फॉर्म मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई लाइन है तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, एलिप्स है। हाँ स्लोप फॉर्म, अगर आपको स्लोप गिवन हो गए तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन की होगी, तो वो होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये भी थोड़ा याद ही करना पैना जी, ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वेयर वेयर सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इन याद कर लो जी, यदा अगे क्वेश्चन मिलेगा तो सी स्क्वेयर, इन नोट कर लो अलग साइड से, यदा तो एमसीक्यू भी जरूर मिलेगा। अब जो आप एमसीक्यू करने हैं वो अपन सी की वैल्यू पूछी गई होगी तो वो आप जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर शायद प्लस माइनस भी आए, प्लस माइनस एक प्लस माइनस हो पता है सी दी वैल्यू। ओके वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये स्लोप फॉर्म है जी टेंजेंट। अगर टेंजेंट फाइंड करना हो, अगर आप स्लोप गिवन हो तो फिर टेंजेंट आप फाइंड करा। ए स्केयर की है आ वाली एम स्केयर, एम आ गई स्लोप और बी स्केयर आ गई, ए एम स्केयर प्लस बी स्केयर वो रूट। क्लियर, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म की होएगी जी, किसी को पता है एलिप्स दियां पैराबोला दियां तो तुसी भज भज के दस रहे सीगे ए टी स्क्वेयर टू ए टी, इन्हां दसो स्लोप फॉर्म की होनियां, सॉरी स्लोप फॉर्म की पैरामेट्रिक फॉर्म। हाँ देखो जी, एदी होएगी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, आ पैरामेट्रिक फॉर्म होएगी एलिप्स की। चाहे तुसी पुट करके देख लो, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, एक्स की जगह पुट करो ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नीचे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, ए स्क्वेयर ना बी स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर ना ए स्क्वेयर कैंसिल, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन इज इक्वल टू वन, ये होएगी अपने को पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। क्लियर, कंडीशन ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ एलिप्स, कंजुगेट डायमीटर की कंडीशन की होती है जी, कंडीशन ऑफ कंजुगेट डायमीटर ये अपने को होती है एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर अपॉन ए स्केयर, ये कंडीशन अपने को होती है कंजुगेट डायमीटर, ये कंजुगेट दी कंजुगेट डायमीटर। अगर आपको पूछी जाए इक्वी कंजुगेट डायमीटर, इक्वी कंजुगेट डायमीटर वो की होएगी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये होंगी इक्वी कंजुगेट, ये होंगी है कंजुगेट डायमीटर, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये सबू सारा याद ही करना पैना, तो नहीं का आपको टाइम टफ लगता है जी, क्योंकि ये लर्निंग बहुत है, लर्निंग कंसैप्ट बहुत ज्यादा ने, हालांकि इन्होंने बेस से क्वेश्चन बहुत घट पूछा जाता बट फिर भी की पता अगलिया का पूछ लैन, तो आपको कंसैप्ट थोड़े याद होने जरूरी है।
वैसे तो जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इन्हां ते ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट हो सकता है इन्हां ते भी पूछ लैन अगलियां दा की भरोसा। तो आपां नूं कंसेप्ट याद होने जरूरी है, तो तुसीं इन्हां नूं अलग नोट करते रहो, एक पेज इन्हां दा स्पेशल बनाते रहो फॉर्मूलिया का, कदे कदाई लंघते टपते निगाह मार ली तां हौली हौली याद हो जाएंगे। लिख के देख लिया एक दो बार दिन विच, 5-7 दिनों के बस पूरे याद हो जाएंगे। एक अलग पेज बना लो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जिससे कल्ले सारे फॉर्मूले हो, ठीक है जी, सारे फॉर्मूले हो, नगदे टपदे निगाह मारी ते हौली हौली याद हो जाए। क्लियर होगी गल? कंडीशन ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ एलिप्स दी, M1 M2 इज इक्वल टू -b² / a² फिर इक्वल कंजुगेट की अगर गल करी जाए तो वाई इज इक्वल टू +b / a * x। फिर आप गल करते हैं डायरेक्टर सर्कल, वेक्टर सर्कल दी की इक्वेशन होएगी, वेक्टर सर्कल दी अपने को इक्वेशन होएगी x² / y² इज इक्वल टू a² + b², ये होगा जी अपने को वेक्टर सर्कल। वेक्टर सर्कल दी इक्वेशन पता चलेगी थोनू x² / x² + y² इज इक्वल टू a² + b², ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? डन। टेंजेंट ऑन एलिप्स, टेंजेंट ऑन एलिप्स ये कितना फाइंड करेंगे? तो देखो अपने को की है एलिप्स x² / a² / y² / b² इज इक्वल टू 1, अपने को ला एलिप्स है जी, आ वाला एलिप्स है। तो अगर x² ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ x² / a² / y² / b² - 1, ਆ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਲਿਪਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਬਣੇਗਾ। अगर तो यह होया लैस दैन जीरो, लैस दैन जीरो होया तो पॉइंट कितने होएगा? इनसाइड होएगा, कितने ना कितने पॉइंट कितने होएगा? इनसाइड होएगा, इतने हो सकता है, इतने हो सकता है, इतने हो सकता है। तो देखो इनसाइड इनसाइड पॉइंट है तो बाहर निकल के तो टेंजेंट बना नहीं सकता, तो यह मतलब एक कदे भी टेंजेंट नहीं बना सकेगा इनसाइड पॉइंट। हाँ यदा की आ जाएगा नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, ठीक है जी। फिर अपने को आएगा x² / a² + y² / b² - 1 इज इक्वल टू जी, तो ये की होएगा? ऊपर होएगा पॉइंट, लाई करेगा, कितने भी लाई कर सकता है, इतने लाई कर सकता है, इतने लाई कर सकता है, इतने लाई कर सकता है। अगर इतने लाई करेगा तो सिर्फ एक टेंजेंट बना सकता है, इस तरह की एक टेंजेंट एक जगह पर लाई करेगा, तो यह की बनाएगा? ओनली पहली तो ऑन ऑन एलिप्स होएगा पॉइंट, पॉइंट कितने होएगा? ऑन एलिप्स, तो टेंजेंट कि बनाएगा? 1 अटैच। फिर अगर x² / a² / y² / b² - 1 > 0 होएगा, आए पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड, इतने हो सकता है, इतने हो सकता है, इतने हो सकता है, इतने हो सकता है, ठीक है जी। तो फिर ये की बनाएगा? मान लो आ पॉइंट है तो यह दो टेंजेंट बना सकता है, एक इधर नू एक आए, दो टेंजेंट ही बना सकता सिर्फ, हाँ फिर की हो जाएगा? यह आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट की आउटसाइड टेंजेंट कितने? 2, 2 टेंजेंट, क्लियर? सेम बिल्कुल पैराबोला हुआ, ओके। चलो हम आप शुरुआत कर दे क्वेश्चंस दी, कंसेप्ट अपने को इन्ने सी, अगर कोई कदा रह गया तो क्वेश्चन के बीच ही आ जाएगा, फिर आप डिस्कस कर दो। दसो जी द नंबर ऑफ वैल्यू सी सच दैट स्ट्रेट लाइन 4x + c टच द कर्व। मैं तुम्हें कहा कि सी का फॉर्मूला याद कर लो, सी वाला क्वेश्चन आ जाना है, सी की वैल्यू दसनी है, की सी का फॉर्मूला? सी इज इक्वल टू √a² (m²) + b² यही सीगा। तो देखो जी वाई इज इक्वल टू 4x + c, लिप्स किन्ना है x² / 4 y² / 1 इज इक्वल टू 1, एम की वैल्यू कितनी आ गई? 4, आ अपना एम रहा जी एम, y इज इक्वल टू mx + c, आई होंगी इक्वेशन mx + c, तो एम 4 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू तो 1 नहीं आएगी, तो लगा दो c इज इक्वल टू a² a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 * m का स्क्वायर, m का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्केयर, बी का स्केयर यानी कि 1, 1 का 1, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया जी अपने को 16 × 64 + 1 = 65, सी इज इक्वल टू आ गया √65।
The number of values of c such that the straight line y is equal to 4x plus c touch the curve. तो कितनी वैल्यूज आ गई सीधियां, सीधियां कितनी वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस माइनस बिना करी हो जाता है, तो ना सीधी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है आप ये दसना कितनी वैल्यू होनी है। तो सीधियां अपने को दो वैल्यू होनी है, प्लस माइनस आंसर आ गया 2। ठीक है जी, सॉरी आप सी गलती मतलब फाइंड करता, सी आप ये फाइंड नहीं करना सी, आप दसना सी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी। मैंने लगे कि ये पूछ रहे हैं कि सी की कितनी वैल्यू आएगी, तो सी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जब आप फाइंड करती तो तुम ये भी सीख गए कि सी की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है। बट उन्होंने पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सच दैट स्ट्रेट लाइन कितनी वैल्यू होनी है, प्लस माइनस होता सी, सी इज इक्वल टू होता प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितनी आ जानी सी की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ द कोण ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम टू थ्री टू टू दलिप्स। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आप देखो चार पांच चीजा पढ़िया सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होंगी टी इज इक्वल टू जीरो, फिर एक और पढ़ी सी इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वो भी कितनी होंगी है टी इज इक्वल टू जीरो, फिर आप पढ़ी सी तीजे नंबर से इक्वेशन ऑफ होल ऑफ होल्डर, वो सारा सेम चलेगा जी कोणिक दे विच जिहड़ियां आपां उहदे पढ़ियां सी, ए वी टी इज इक्वल टू जीरो, फिर आपां पढ़ी सी इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ मिड पॉइंट, ऑफ मिड पॉइंट एक आ पढ़ी सी आपां, ए हुंदी है अपने कोल टी इज इक्वल टू एस वन, फिर आपां पढ़ी सी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट जिहदे विच आपां नूं कन्फ्यूजन सी उत्थे थोड़ी जी मिस प्रिंट सीगा, ए आउंदी अपने कोल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एस इनटू एस वन, ये सारियां गल्लां आपां पढ़ियां हुई हैं। इथे आपां की फाइंड करना है कोड ऑफ कंटैक्ट यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो की में फाइंड करते हैं एक्स नू एक्स स्क्वेयर नू एक्स एक्स वन, तो वाई स्क्वेयर नू वाई वाई वन, तो कर दो जी पुट एलिप्स च एक्स स्क्वेयर दी जगह एक्स एक्स वन प्लस फोर वाई वाई स्क्वेयर दी जगह वाई वाई वन इज इक्वल टू नाइन, तो एक्स वन कितना है एक्स वन की वैल्यू हैगी अपने को 3, वाई वन की कितनी है 2 एस पॉइंट को, पुट कर दो एक्स वन 3x प्लस वाई वन पुट कर दो 8y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर ए राइट, बिल्कुल इजी सी का क्वेश्चन, आ भी रॉन्ग है आ भी रॉन्ग है आ भी रॉन्ग है। इक्वेशन ऑफ पोल ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ कोण ऑफ कंटैक्ट, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई होंगी तो आ भी आ फिर भी आही आनी सी, इक्वेशन ऑफ कोल ऑफ पोलर पूछी गई होंगी तो भी आही आनी सी, डिफरेंस हो जाता इन्हों दोनों के बीच। ठीक है जी, क्वेश्चन द पोल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, हम एफ की पोल देता, पोल दी इक्वेशन आपको दे रखी है ऑलरेडी एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर, ये भी उस तरह का ही क्वेश्चन है जिसे कन्फ्यूजन हुए से कंपेयर करने, तो आप इतने अज वो कन्फ्यूजन भी अपनी दूर कर लाँगे विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, तो पोल की इक्वेशन भी अपना टी इक्वल टू जीरो ही फाइंड करते हैं, तो कर दो जी पोल एक्स एक्स वन प्लस फोर वाई वाई वन इज इक्वल टू फोर, तो हूँ इस इक्वेशन आपू करना है कंपेयर या डिवाइड कह सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो एक का लिख लो एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर, इधर लिख लो एक्स एक्स वन प्लस फोर वाई वाई वन इज इक्वल टू फोर, देखो एदा एक्स एक्स वाला कोएफिशिएंट कंपेयर करांगे तो वन अपॉन एक्स वन, ठीक है जी इज इक्वल टू एदा करांगे तो फोर नाल तो फोर कट्टे जाना है, तो वाई नाल वाई तो वन अपॉन वाई वन आएगा ओनली, क्योंकि इधर फोर वाई का कोएफिशिएंट की है वन, इधर फोर वाई का कोएफिशिएंट की है वाई वन, इधर एक्स का कोएफिशिएंट की है वन, इधर एक्स का कोएफिशिएंट की है एक्स वन, फिर इधर तो फोर फोर ही है फोर अपॉन फोर, तो ये आ गया फोर नाल फोर कट्टे आ गया वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से वन, और वाई वन की वैल्यू कितनी आ गई इतों वन, आंसर आ गया बी वन वन, क्लियर होया किवें कंपेयर करने, देखो उपर एक्स का कोफिशियन कितना वन, नीचे एक्स का कोफिशियन कितना एक्स का वन अपॉन एक्स वन, उपर
4 बाई दा कह लो चाहे बाई दा कह लो तो कट्टे ही जाएंगे। अगर 4 4 भी लगाओगे तो 4 बाई दा कोफिशियंट कितना, ओनली 1 था ऊपर 1 आया, नीचे 4 बाई दा कोफिशियंट कितना वाई 1 था, डिवाइड च आया वाई 1, ऊपर 4 बाई 4 दा कोफिशियंट, 4 था 4 ही है नीचे भी 4 ही है तो कट्टे गए 1 था एक्स 1 आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द एलिप्स इज 16 देन द अदर एंड, देखो अपने को आलिप्स आलिप्स होंगे ठीक है जी, आलिप्स का पूरा की होंगे डायमीटर होंगे है ना, डायमीटर होंगे वन एंड दे रखे था, एक एंड दे रखे अपन √3 2 आ दे रखे, आ की है था सेंटर है, सेंटर है इसका ए अपने को सिंपल लिप्स है तो 0 0 होएगा सेंटर, आ वाला एंड कटना है तो जो सेंटर होएगा वो डायमीटर का मिड पॉइंट का होएगा, तो आप मिड पॉइंट फॉर्म लगा दें, इन्हों मान लो तुम x2 y2 ठीक है जी, इस पॉइंट में तो लगाओ √3 x2/2 इज इक्वल टू 0 पहले मिड पॉइंट दे को, दूसरा 2 + y2/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 × 0 0 x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी −√3x√3, और 2 × 0 × 0 0 y2 की वैल्यू कितनी आ गई −2, तो अपने को दूजा पॉइंट कितना आ गया −√3 −2, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग बी रॉन्ग सी राइट, सी ऑप्शन गुड राइट। चलिए जी, क्योंकि आपां नूं उन्होंने वन एंड दे रखा है, एक एंड दे रखा है दूसरे, आपां नूं पता है इस एलिप्स दे सेंटर किन्ने होंगे 0 0, सेंटर की होएगा इन्हां दोनों का मिड पॉइंट होगा, आ डायमी आ पॉइंट कटना है तो दोनों ते मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता x2 + √3/2 = 0 पहले कोऑर्डिनेट इक्वल 2 + y2/2 दूसरे दे इक्वल, तो इतों सॉल्व कर लिया बस। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स बिकम 0 then it take of the form, जे किसी एलिप्स की असेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी तो केड़ी फॉर्म बन जाएगी, एनीवन आंसर, एनीवन नो द आंसर, क्वेश्चन नंबर 20, असेंट्रिसिटी एलिप्स की 0 बन जाएगी तो वह केड़ी शेप दे विच आ जाएगा, अगर असेंट्रिसिटी ही 0 हो गई तो वह बन जाएगा अपने को सिंपली सर्कल, हाँ ए ऑप्शन राइट, अगर क्योंकि वैसे भी सर्कल की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, सर्कल की 0, पैराबोला दी 1, एलिप्स दी होती है लेस देन 1, और हाइपरबोला दी ग्रेटर देन, चार तो बस एसेंट्रिसिटी होनी है, तो वैसे ही ये सर्कल सेंट्रिसिटी 0 होगी तो वैसे ही यह सर्कल बन जाए, जो उन्होंने क्या होंगे सेंट्रिसिटी 1 बन गई फिर बन जाता पैराबोला ठीक है जी। द इक्वेशन x²-y² r-y जेड़ा भी आ क्वेश्चन करेगा यदा मतलब उन्होंने कंसैप्ट चंकी तरह क्लीयर ने, x²-2-r y²-r-5 +1 इज इक्वल टू 0, देखते हैं जी किस में आता है क्वेश्चन, x²-2-r + y²r-5 आ प्राइज दिता जाना है जी, जो सही आंसर दसेगा देख लो इतना बड़ा प्राइज है ठीक है जी, तो जल्दी दसो यदा आंसर कितना आएगा, इतने एक कंफ्यूजन चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करेगी ही करेगी, शायद पता नहीं नोट की है या नहीं की, वो है अपने को मैं आंसर दसन लगे आंसर देखो जी, इतने अपने को प्लस वन है राइट लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव, वैसे तो आंसर डी बन रहा है इस टाइम पे, अगर इक्वल टू 1 होता तो डी होता, तो तुम मैं लगता डी ही लगा रहे हो, आर -5 इस गल नोट
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ -1। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -1 ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਆਰ -2 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ 5 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆਸਰ। ਅਗਰ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਤਾਂ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਅਗਰ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, 5 ਤੋਂ ਤਾਂ 6 ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, 6 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਪਸ ਬਣੇਗਾ, 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਪਸ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਜੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ +1। ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਰ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਰ 3 ਲੈਂਦੇ, ਆ ਵੀ -1 ਨਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ -1 ਨਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22, ਹਾਂਜੀ 22, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਲਿਪਸ ਵਿਦ ਅਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 1/2 ਐਂਡ 4k +-1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਸੌਰੀ +-1 0। ਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1/2। 4k ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਏ 1/2। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, 4k ਕੀ ਤੇ ਐਕਸ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਐਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4/3 ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, 4/3 ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ, ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ? 1/2/ਈ, ਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1/2, ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨੇ 1। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 1 ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਈ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਏ ਸਕੇਅਰ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ? 1 ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਈ ਸਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/4, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3/4। ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 3/4, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 3/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ 3/4 ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ? 3/4 ਐਲਸੀਅਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ 3/4 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। 3/4 ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 4/3 ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਨਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉੱਧਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਨਾਲ, ਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 4 ਨਾਲ, ਇੱਧਰ 4 ਕੱਟਿਆ ਜੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1/4 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਨਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਨਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23, ਐਨ ਅਲਿਪਸ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? √2/5। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਅਗਰ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ √2/5 ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ।
पहले पॉइंट को टिक करो, कितना आएगा? 9 × 3 27, ये ऑप्शन दे विच अगर पुट कर दें, 27 + 5 32, 32 = 32, पहला तो कर गया बी ऑप्शन, 9 × 27 + 5 25, ये नहीं किया, बी तो कर दो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो जी, 9 × 27 + 1 = 4, ये भी नहीं किया, 28 = 4 भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, प्लस वाई, 9 × 27 + 28, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन भी कैसे, तो अपने को आंसर बन गया राइट ए। हम आप एसेंट्रिसिटी भी फाइंड करके देख लेते हैं, 3x² + 5y² = ये कितना आ जाएगा, x² / 32/3 + y² / 32/5 = 1। छोटा केड़ा जी, 32/3 के 32/5, तो 32/5 छोटा आ बड़ा, 1 − 32/5 / 32/3, तो यह हो जाएगा 3/32, 32 कैंसिल, 32 ऐसे हो गया 2/5 था, यही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस, वर्टिस दे रखे हैं, वर्टिस अपने को लिखे होते हैं प्लस माइनस ए जीरो, ये होते हैं वर्टिसेस, और फोके भी होती है, फोके होती है प्लस माइनस ए जीरो। तो सब तो पहला ये देखो भी एक्स की वर्टिसेस है, एक्स की फोके ही है, तो वाई के थले तो वड्डा आ ही नहीं सकता, ऑप्शन तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है जी, वाई के थले वड्डा जीरो नूं सैट करांगे। तो हम आप ए की वैल्यू अपने को कि 5, ए ई की वैल्यू कि 4, आप कट लाँगे बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हैगी है 5, तो सब तो पहले अं चेक कर दी, 225 डिवाइड करा तो यह बन जाएगा ऑप्शन, x² / 25 + y² / 9 = 1, ये बनेगा x² / 9 y² / 25, ऑप्शन तो कट्टी गई बी का, क्योंकि वाई जिसल तो वा ही नहीं सकता, सी ऑप्शन, x² / 192 कितना बनेगा, 6 × 3 = 18, 1 = 12 + y² / 1 कितना बनेगा, 16 × 16 = 32 अपने को जो ए ही 5 है, तो ए स्केयर तो 25 बनना है, आंसर ए हो सकता है, सी भी नहीं है, या फिर एक रौला पाएगा 9, इन जरूर ध्यान रख लो 9, तो बी स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लो, अगर इतने अपने को कोई होर ऑप्शन होंगे ना, तो फिर आप नहीं फाइंड करनी सी बी स्केयर की वैल्यू, अगर इतने x² बटे कुछ भी होंगे अपने को 9 होंगे 5 होंगे, फिर अपना आंसर सीधा सीधा ही आ जाना सी, बट नन ऑफ दीज करके रौला पैंता है, तो बी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर कि 25 माइनस ए स्केयर देने की 16, तो यह आ गया 9, तो बी स्केयर की वैल्यू 9 बनती है, ठीक है जी, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन की कहता, द लेट सेक्टम ऑफ एलिप्स इज 10 10, लेट सेक्टम कि है जी 10 है, ओके लेट सेक्टम ऑफ एन एलिप्स यानी कि 2b² / a, ए कि अपने को 10, एंड द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस यानी कि 2b इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोके, डिस्टेंस बिटवीन फोके कितनी होती है 2ae, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, सारिया चीज़ें अपने को क्लियर ने, 2 नाल 2 करता b/a इहदे कोल आ गया b दे कोल, इथों 5 b² = आ गया 5a, b² a² - 1 - a² b² की वैल्यू 5a = a² - 1 - e² का मतलब b² / a² नहीं होएगा कि कुछ a नाल a कट्टी का नहीं होना, तो दैट्स लिप्स is 10 and the minor axis equal to the distance between okay, the equation of the ellipse
ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ 10 ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ ਕਿਹਦੀ 10 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ 100 ਐਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ 50 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਪਾਉਂਡ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਬਟਾ ਮੇ ਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਿਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਿਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ √2 ਹੈ, √2 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 2a b upon a, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏ ਈ ਲੈ ਲਈਏ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਹੁਣ ਏ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਏ ਈ ਸਕੇਅਰ, ਈ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਰੱਖੀਏ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਏ ਈ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਡੀ ਏ ਇਸਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, ਫੋਰ ਦਾ ਅਲਿਪਸ ਦਾ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਇਜ਼, ਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। x square upon 64 y square upon 28 is equal to 1। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, a ਦਾ a is equal to 1 minus ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ 28 upon ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ 64। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 7, ਚਾਰ ਤੇ ਕੱਟ 16, a is equal to ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 16 minus 7 9 upon 16, 9 upon 16 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 upon 4, ਆਂਸਰ ਏ 3 upon 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26, ਇਨ ਐਨ ਐਲਿਪਸ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ 8, ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2b, 2b ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਏ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √5 upon 3, ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2a ਹਮੇਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ। 2b ਯਾਨੀ ਕਿ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, b 4 e ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ b ਸਕੇਅਰ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, a ਸਕੇਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ b ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 16, a ਸਕੇਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ e ਸਕੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਟੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16 a ਸਕੇਅਰ, a ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਇੰਟੂ 9 ਮਾਈਨਸ 5 4 ਵਟੇ 9, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ a ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 36, 9 ਚੋਂ 36 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 36, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 6। ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੈ, 2 ਇੰਟੂ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, ਆਂਸਰ ਬੀ 12। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27, ਇਫ ਦਾ ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਲਿਪਸ ਬੀ 1 ਬਾਈ ਰੂਟ 2, ਅਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 1 ਬਾਈ ਰੂਟ 2, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 1 ਬਾਈ ਰੂਟ 2 ਮਾਈਨਰ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ 2b, ਸੇਮੀ ਮਾਈਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਮਾਈਨਰ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਓਨਲੀ ਵੀ, ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ 2a ਤੇ ਸੇਮੀ ਮੇਜਰ a, ਬਸ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸੈਮੀ ਮਾਈਨਰ ਓਨਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਮਾਈਨਰ, ਸੈਮੀ ਮੇਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਮੇਜਰ ਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ, ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸਕੇਅਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਏ ਸਕੇਅਰ
माइनस वन रूट टू द स्क्वायर टू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया 1/2 टू एक ही हो गया, 2b² इज़ इक्वल ए स्क्वायर, बट अपन तो की चाहिए लेयर सेलेक्ट ऑन एक ए इधर भेज दो तो 2b² इज इक्वल टू कितना आ गया डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू कितना आ गया ए, तो बचिया कल्ला कितना ए, तो लेयर सेलेक्ट ऑन बनेगी एल आर की दे इक्वल कुछ ही चंदा ने ए दे इक्वल आ गया, ए अपने को की है सेमी मेजर एक्सिस आंसर। अगर जैसे 2a बचता तो आप मेजर एक्सिस बोल देना सी, 2b बचता तो माइनर एक्सिस, अगर बी बचता तो सेमी माइनर, बट अपने को बचा कि ए ही बचा, ए बचा तो इन्हों दिखता सेमी मेजर एक्सिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स 5x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, देख दें जी कौन फाइंड करेगा सेंट्रिसिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗ, 9y² ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ 5 ਤੇ 9 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ 45 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ 1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, 5 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ 1/5 ਪਲੱਸ y² 9 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ 1/9, ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੌਣ, 1/5 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.20 ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.1 ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ 1/5, ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ 1/9, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ 1/5, ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਆਫ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5/9, 9 × 9 ਮਾਈਨਸ 4, 4/9 ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2/3 ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਿੰਪਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟਰਸਿਟੀ ਵਰਟਿਸਿਸ ਫੋਕਸਡ ਇਸ ਲੈਟ ਸਿਲੈਕਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 29, ਦਾ ਫੋਕੇ ਆਫ ਫੋਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 16x² ਪਲੱਸ 25y² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 400 ਨਾਲ, ਤਾਂ 16 ਨੂੰ 400 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 25 ਪਲੱਸ y² ਔਰ 16 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਵੀ x ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਫੋਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ y ਦਾ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਅਗਲਾ ਆਂਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਫਾਈਨਡ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ 16 ਵੱਡਾ 25, 25 × 25 ਮਾਈਨਸ 16 2/25 ਯਾਨੀ ਕਿ 3/5 ਸੈਂਟਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4k ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a 0 ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕਿੰਨਾ 5, ਏ ਕਿੰਨਾ 3/5 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ 4k ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3g, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4k ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਣੇਗੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਜੀ ਆਪ ਦੋ ਫੋਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੈਟ ਸੈਕਟਰ ਲੈਟ ਸੈਕਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਏ 2 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 36 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 2 ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 36 ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 7 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 72 ਅਪੋਨ 7 ओके क्वेश्चन हाँ ये अपनी ओवर हो गई है क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन टेंजेंट एट Month find location of ellipse x square on 5 y square on 9 is equal to equation of tangent find करो जी 1 3 के ऊपर तो ellipse के ना x square on 5 y square on 9 तो क्वेश्चन है तो आ दें ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸ 1 ਨਾਲ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਵਨ ਵਾਈ ਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਰਿਪਲੇਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਐਕਸ ਐਕਸ 1 ਅਪੋਨ 5 ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਵਾਈ ਵਾਈ 1 ਅਪੋਨ 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਕਸ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 1 ਐਕਸ ਅਪੋਨ 5 ਪਲੱਸ ਵਾਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਤਾਂ ਵਾਈ 3 upon 9 is equal to cancel ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਤਾਂ 15 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਅਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x ਔਰ 5y is equal to 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3x plus 5y is equal to 15 ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾਣਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 30 40 ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਪਾਂ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਮੀਟਰ ਇਕੁਏ ਕੰਜੂਗੇਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਲੈਂਥ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਡਾਊਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਊਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ